दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल है और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके चैनल पे व्यूज कैसे आएंगे। दोस्तों, तो जानने की बात है कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, YouTube का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, व्यूवर्स का एल्गोरिथम क्या होता है और खुद का एल्गोरिथम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, तो YouTube का एल्गोरिथम और एल्गोरिथम क्या होता है और खुद के एल्गोरिथम के बारे में सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, जो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक व्यूवर्स के एल्गोरिथम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक व्यूवर्स आपके चैनल पे जब विजिट करता है या आपकी वीडियोज़ को शुरू फर्स्ट में देखता है तो क्या सोचता है वो मैं बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा व्यूवर्स के एल्गोरिथम के बारे में। तो स्टेप वन की बात करते हैं। जैसे कोई व्यूवर्स कोई वीडियो YouTube पे या कोई सोशल मीडिया पे सर्च करता है, स्टेप टू पे एक पेज ओपन होता है, बहुत सारे चॉइस आ जाते हैं उसके सामने। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो फर्स्ट वीडियो पर ही क्लिक करेगा, पहले देखेगा कि किसका थंबनेल उसको अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा कर रहा है, फिर टाइटल पड़ेगा अच्छा लगे तो तुरंत क्लिक कर देगा बिना सोचे, क्योंकि उसका थम आपका थंबनेल जो है उसको अट्रैक्टिव कर रहा है, क्लिक करने पर मजबूर कर देगा। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तीसरे स्टेप की बात। क्लिक करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे और जानकारी उसे पूरी मिल गई जो उसे चाहिए तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेगा और लाइक और शेयर भी कर सकता है। और आगे अगर उसे भविष्य में ऐसे वीडियो की डिमांड हो तो बिल्कुल आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। स्टेप फोर की बात करते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को लीव करके दूसरे वीडियो पे विजिट करेगा। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे, जो उसे सेटिस्फाई कर सके, जो उसे संतुष्ट कर सकते हैं। आप खुद जान सकते हैं दोस्तों, आप अगर खुद अगर यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो अगर आप क्या सोचते हैं, वही सब का मैं एल्गोरिथम बनाया हूँ व्यूवर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को भी नहीं दबाते हैं तो हमारे वीडियो मिस कर देंगे। और पांचवा स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। अगर किसी दूसरे वीडियो को देखने पर अगर व्यूअर्स अगर सेटिस्फाई हो जाता है और उसे आपसे ही नए वीडियो की डिमांड होता है, अगर उसी से रिलेटेड कोई वीडियो की डिमांड होता है तो वो नीचे कमेंट करने के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेगा। दोस्तों, वो नीचे कमेंट करेगा कि उसे इस तरह का वीडियो चाहिए, अगर आप बना सकते हैं तो बना के उसे आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।